सभी किसान एवं पशुपालक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम और हमारी पूरी टीम यानी खिचड़ एग्रो फार्म की पूरी टीम पहुंची है हनुमानगढ़ जिले का यानी राजस्थान का एक ऐसा गांव जिसने बकरी पालन के क्षेत्र के अंदर मिसाइल कायम की है, बकरी पालन में पूरे भारत के अंदर अपना नाम, गांव का नाम रोशन किया है। ऐसा गांव हनुमानगढ़ का रोड़ावाड़ी गांव, यहां पे हम आज आए हैं। यहां के पशुपालकों से, बकरी पालक भाइयों से मिलेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने इस गाँव को इस मुकाम तक पहुँचाया है और किस तरीके से बकरी पालन से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे कि आपने रोड़ावाड़ी का नाम सुना है बकरी पालन के अंदर, बकरा पालन के अंदर, तो अभी हम रोड़ावाड़ी में उपस्थित हैं और ये रमजान खान जी का बकरा फार्म है, अपन इनसे जानेंगे। और आप जैसे देख सकते हैं कि आपको बकरा जो सामने दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छी इसकी हाइट है, कितनी अच्छी लेंथ है, और बाकी सब बकरे भी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बकरीद के पर्पस से, मीट पर्पस के लिए इन बकरों को सबको तैयार किया है, तो अपन इनसे जानेंगे कि ये इन बकरों को, इनकी सेहत के पीछे क्या राज है, इनको क्या खिला रहे हैं, इनकी चराई पिलाई कैसी क्या कर रही हैं। तो रमजान जी, थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताइए कि आप इन बकरों को खाने पीने में क्या दे रहे हो, किस तरह का इनका मैनेजमेंट कर रहे हो, और आपने ये काम कब और कैसे शुरू किया? जी देखो, ये अपना काम बहुत पुराना है, छोड़ दो उसको, इस फील्ड का काम हमारे ये बहुत पुराना काम है। हाँ जी, और ये कम से कम दादाजी पालते थे बाप, अब तो काम बहुत बढ़ गया, पहले थोड़ा था। यानी आपका पीढ़ियों का ये काम चला, पीढ़ियों का काम चला रहा है। ठीक है, तो अब जैसे आपने ये बकरे, इतने अच्छे अच्छे बकरे रखे हैं, तो इनको खाने पिलाने में आप क्या दे रहे हो, क्या नहीं? खाने पिलाने में जो देख सकते हो आप, हाइट और सेल्थ बनाने का तरीका, चने की चूरी है और मक्की है। अच्छा, चने की चूरी और मक्की आप इनको खिला रहे हो? जी जी। साथ में जैसे काला नमक भी आपने रखा है, काला नमक अच्छा रहता है, पाचन इनका अच्छा बना रहे, बढ़िया बना रहे। और सुखे में ग्वार का नीरा और हरी पत्ती दे रहे हैं। अच्छा, हरी पत्ती, जो खेजड़ी का पत्तियां जिसे हरी पत्ती के नाम से जानते हैं, वो भी आप इन बकरों को सबको खिला रहे हो। जैसे आप दोस्तों देख सकते हो कि इस बकरे की जो हाइट है, इसका गर्दन यानी जो सर है, मेरे सर के बराबर आ रहा है, यानी 5.5 फीट इसकी गर्दन ऊपर जा रही है। और हाइट यदि अपन देखें तो इसकी कितनी हाइट होगी लगभग? इसकी 49 इंच हाइट है। 49 इंच हाइट, यानी 50 इंच से जस्ट 1 इंच कम। मैं आपको बता दूं कि ये खसी किया हुआ बकरा है, मीट पर्पज के लिए इन्होंने तैयार किया है, बाकी सब बकरे भी इनके पास में बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की बकरों की मार्केट क्या इस क्षेत्र में आसानी से हो जाती है? जी जी, बिकने की और कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। जैसे ये बकरा आप बेचना चाहो तो यानी उस सीजन में लगभग कितने पैसे तक जाएगा? जे अभी बिकने में तो अभी तैयारी है, इसकी बिक सकता है अभी। ठीक है, जे इसकी लमसम कीमत, लगभग कीमत, जैसे लमसम कीमत इसकी 2.25 लाख रुपए, 49 इंच हाइट, बहुत बड़ी हाइट में आता है, लमसम हजारों बकरों में से एक बकरा मिलेगा आपको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यानी 2.25 लाख रुपए तक अपन पशुपालक के, बकरी पालक के मुँह से अपन अच्छे तरह से सुन सकते हैं। बाकी भी इन्होंने जितने बकरे तैयार कर रखे हैं बहुत अच्छे से तैयार किए, मैं आपको दिखाना भी। कोई हाईएस्ट प्राइस में आपने कोई आज तक सेल किया है बकरा? हाई सेट प्राइस भाई साहब, ऐसे 2 लाख 2.25 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक बकरे बेचे। 3 लाख तक आपने बकरे को बेचा है, बीटल नस्ल का? जी जी। जो ब्रीडिंग के पर्पज से था या मीट के पर्पज से था? देखो, मीट के पर्पज से भी बिक जाता है इतने में, और ब्रीडिंग के पर्पज भी बिक जाता है। इनका जैसे अभी वजन कितना होगा इन बकरों का? वजन कितना? वजन तो जैसे देखो 125 100 से 120 किलो तक के बकरे हैं। मैं जैसे दिखाना भी चाहूँगा, जैसे खाने में इनको हरी पत्ती, जो खेजड़ी का लूंग है, ये खिलाते हैं। खेजड़ी का लूंग खिलाने का सबसे ज़्यादा फायदा ये है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, और ज़्यादा प्रोटीन होगी तो इनकी ग्रोथ, इनकी बढ़वार अच्छी आएगी। साथ में इनको दाने के अंदर भी चने का जो छिलका है और मक्की खिलाई जा रही है, पानी वगैरह सब इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको किया जा रहा है, और जिस वजह से अच्छा मैनेजमेंट होने की वजह से इतनी अच्छी हेल्थ इनकी है, और 2 से 2.5 या 3 लाख रुपए तक इनके बकरे जाते हैं। एक बार आपसे कोई हमारा पशुपालक साथी, कोई बकरी पालक साथी मिलना चाहे तो आपका एड्रेस और नाम पता आपका बता दीजिए। हमारा एड्रेस जिला हनुमानगढ़ है, गांव रोड़ावाली है। ठीक है, और नाम रमजान है। ठीक है, और गुज्जर गोट फार्म से ये फार्म चलाते हैं। गुज्जर गोट फार्म रोड़ावाड़ी हनुमानगढ़ के नाम से आपका फार्म है। आपके मोबाइल नंबर और बता दीजिए। 98878 40946 98878 40946। एक नंबर और रहता हूँ सलीम भाई, नंबर देना आप। आपके नंबर दूसरे
9887246786। दोबारा बताइए सर। 9887246786। बताओ। ये हमारे नागरे कलर के आता है, अंदर आता है भाई। और जो नागरा बीटल जी है, और इसकी इसकी उम्र क्या होगी इस बकरे की? लमसम पौने 3 साल का, 2.5-3 साल का हो गया बकरा। यानी इसे 6 दांत अपन कह सकते हैं, 6 दांत। 8 दांत लगा रहा है। अच्छा, 8 दांत लगा रहा है, लगा रहा है अभी। 6 दांत हो गया। हाँ। अपना आगे जो ब्लैक वाला है, काले वाला, इसका ये भी 8 दांत हो गया। ये भी 8 दांत हो गया। इसकी उम्र भी 3 साल उम्र इसकी है। ये तो बिल्कुल ब्लैक कलर में ही आता है। बिल्कुल ब्लैक, डेड ब्लैक। ये कौन सा कलर है? ये इसको हिंदी लाल वाला ब्लैक एंड रेड एंड व्हाइट बोल सकते हैं। रेड एंड व्हाइट लाल डब्बा बोल सकते हैं। लाल डब्बा या रेड एंड व्हाइट। हाँ जी। यानी आपके इस क्षेत्र में, हनुमानगढ़ में या पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, इसमें किस रंग के नस्ल के जो बकरे हैं, कौन सा कलर की ज्यादा डिमांड है? ब्लैक एंड व्हाइट। देखो जी, डिमांड तो ग्रोथ के ऊपर और हेल्थ के ऊपर होती है। हाँ। अच्छी नस्ल है, बाकी सब तो नस्ल भी अच्छी है। देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट है। ये ब्लैक एंड व्हाइट। इसकी क्या उम्र है? ये अभी 2.5 साल का बकरा हुआ है। अच्छा। और 46 के करीब हाइट। 46 के करीब इसकी हाइट है। यानी बहुत ही अच्छे हाइट में और बहुत ही अच्छी बढ़िया नस्ल, जो बिटल के पूरे करेक्टर अपन कह सकते हैं, सिंगों का पैटर्न हो या कान हो, और आंखों का जो आइज कलर है, कान है, झालर पट्टी है, सिंगों का जो पैटर्न है, सब तरह के करेक्टर इन बच्चा। हाँ, सबसे फेवरेट कलर माना जाता है हमारे शक्कर के अंदर। अच्छा अच्छा, मक्का चीनी कलर बोलते हैं इसको। मक्का चीनी जी। अभी अदंत बच्चा है। अदंत है ये बच्चा। जी, अदंत बच्चा, बिल्कुल ठीक है। यानी 10 से 11 महीने का बच्चा है और इतनी अच्छी हेल्थ। हाँ। यानी इस बच्चे का भी वजन आराम से 65 से 70 किलो तक के वजन होगा इसका। यानी अदंत बच्चे की इतनी अच्छी हाइट और इतना अच्छा वजन आना, ये सब खान पान पे और इनके मैनेजमेंट पे ही निर्भर करता है। आप सभी किसान एवं पशुपालक साथियों ने हमारे चैनल पे जो दिखाया गया था बिटल नस्ल के बकरे, अंडू और जो खस्सी बकरे थे, इनके बारे में सब दिखाया गया था। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप आगे भी हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।